6:30 बजे फ़ोन आया था, तब तो मैंने कहा मम्मा कब आ रही है, कह रहा पापा बस मम्मा आ रही है, मैंने चल कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद फ़ोन आया किसी लेडीज़ का, कह रही आपकी वाइफ को किसी ने गोली मार दी है। जिस माँ ने अपने बेटे से आधे घंटे पहले बात की हो और उसे ये बताया हो कि वो दफ्तर से घर लौट रही है, रास्ते में है, और वो उसके बाद कभी घर ही ना लौटे, वो उसके बाद अपने बच्चे से कभी बात ही ना कर पाए क्योंकि उस महिला की हत्या कर दी जाए, ये पूरी वारदात दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके की है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तंवर। देश की राजधानी दिल्ली क्राइम कैपिटल कही जाती है, वजह आप जानते हैं कि दिल्ली में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं लेती हैं। महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध की बात करें तो आए दिन दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं दिखाई देती हैं, पढ़ी जाती हैं, सुनाई देती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली में अपराध का आंकड़ा थमने का, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बिहार इलाके में एक 32 साल की महिला जिसका नाम ज्योति बताया गया है, वो दफ्तर से अपने घर लौट रही थी और रास्ते में ही महिला पर गोलियां चली जिसके बाद महिला की मौत हो गई। हत्यारों का अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। महिला के पति ने बताया कि उसके बेटे ने फोन पर अपनी माँ से बातचीत की थी और ये बताया था कि माँ दफ्तर से घर लौट रही है, रास्ते में है, लेकिन उसके आधे घंटे बाद एक दूसरा फोन आता है और ये जानकारी दी जाती है कि आपकी पत्नी पर गोलियां चली हैं। दीपक, तो जिनकी मृत्यु हुई है वो आपकी क्या लगते हैं? मेरे पत्नी लगती हैं। अच्छा, तो कितने बजे की घटना है और क्या कहते हैं? ये जी 6:30 बजे फ़ोन आया था, तब तो मैंने कहा मम्मा कब आ रही है, कह रहा पापा बस मम्मा आ रही है, मैंने चल कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद फ़ोन आया किसी लेडीज़ का, करे आपकी वाइफ को किसी ने गोली मार दी है मीराबाग सैगल सकूल सैगल हॉस्पिटल, और स्कूटी छीन के ले गया बस। अच्छा, तो आपको किसी पे कोई दुश्मनी थी या क्या था? नहीं जी, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो आपकी मिसेज कहीं सर्विस करती थी? हाँ जी। कहाँ सर्विस करती थी? फ्लिपकार्ट में। तो किसी से कोई लेन देन या किसी चीज़ का कोई वाद विवाद कभी चल रहा था? नहीं जी। किसी चीज़ का कोई घरेलू परेशानी या किसी चीज़? नहीं जी, घरेलू परेशानी तो बिल्कुल नहीं थी, खुश रहते थे हम सारे। कितने फैमिली में बच्चे? तीन बच्चे हैं जी। तीनों बच्चे क्या करते हैं? वो पढ़ाई करते हैं। दो पढ़ाई करते हैं? तीनों पढ़ाई करते हैं जी। ठीक है, आपका क्या नाम जी? किशन लाल। आपके जो मृतक है वो आपकी क्या लगती? बेटी लगती है मेरी। तो आपको कैसे पता लगा? ये 7:30 बजे फोन गया था हमारे पास, हम रहते हैं ओलंबिक कला मेट्रो पे आ रहे हैं। तो किसी चीज़ को लेकर कोई आपको कोई आपत्ति या किसी चीज़ को लगे कि कोई घटना ये क्यों हुई है? हमें लड़ाई झगड़ा ना कोई ऐसा नहीं था। आपको सूचना पुलिस से पता लगी? नहीं, फोन गया था किसी का, मैं छोटी मेरी बेटी का। अच्छा, तो मेरी छोटी बेटी भी इनके छोटे पे। आपकी बेटी से लास्ट कितनी बजे बात हुई थी आपको? हमें आज से कोई बात नहीं हो, मेरा एक महीना हो गया बात हुआ। ठीक। पश्चिम बिहार इलाके में चली गोलियों ने एक माँ को अपने तीन बच्चों से दूर कर दिया, एक भरा पूरा घर उजाड़ दिया। ये महिला फ्लिपकार्ट में काम करती थी, फ्लिपकार्ट के कुरियर डिपार्टमेंट में काम करती थी। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 32 साल थी, तीन बच्चे थे, लेकिन अब वो बच्चे अपनी माँ को खो चुके हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की ये गाथा लगातार दिल्ली में बढ़ रही है। आप जानते हैं कि पश्चिम बिहार इलाके में जिस तरीके से घटना हुई उसने इलाके में सनसनी फैला दी, और उससे दो दिन पहले एक खबर सामने आई थी करावल नगर से, जहां पर एक 88 साल की बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर बदमाशों ने पहले लूट मचाई घर में और उसके बाद महिला की हत्या कर फरार हो गए। लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध के ये आंकड़े दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर क्यों दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध इस तरीके से बढ़ रहा है कि बदमाशों में कोई खौफ नजर नहीं आता? आखिर दिल्ली पुलिस बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में क्यों नाकाम हो रही है, और आखिर क्यों इन बदमाशों में दिल्ली पुलिस का खौफ गायब दिखाई दे रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनको दिल्ली पुलिस को गंभीरता से लेना होगा। और दिल्ली में लगातार अपराध का जो भी बढ़ता हुआ ग्राफ है उसे कम करना होगा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।